नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहते हैं, रूबरू करवाते रहते हैं, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में या किसी एजुकेशन के फील्ड में या फिर वकालत के फील्ड में कहीं ना कहीं मुकाम हासिल किया होता है। आज हमारे साथ हैं हरपाल बुरा जी, जो टैक्स ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे हैं पूर्व में और कांग्रेस नेता हैं, 30 साल से कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं। इनके मन में मलाल है, इनके अंदर एक गुबार है हंसी की बदहाली को लेकर, हल्के की बदहाली को लेकर और हल्के की बेबुद्धि को लेकर इनके अंदर एक ऐसी डिस पैदा होती है कि क्यों ना हंसी हल्के को एक स्वच्छ और एक सुंदर हल्का बनाया जाए। आज इन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या कहने जा रहे हैं, इनके मन की बात जानते हैं। ये आप हैं हरपाल बुरा जी, एक सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपका चैनल मैं कई बार देख चुका हूँ, आप बड़ी अच्छी चीज़ें जनता को देते हो, बताते हो, करते हो, इंटरव्यू अच्छा लेते हो और सर ये इम्पार्शियल होकर के आप काम कर रहे हो। मैं मेरी कामना है कि आपका चैनल ये कामयाब हो। हरपाल जी, आप मेंबर टैक्स ट्रिब्यूनल एक लीडिंग लायर हैं डिस्ट्रिक्ट के और 30 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं जी। अब फिलहाल आप 4.5 साल से क्या देख रहे हैं कि बीच 4.5 साल बीत गए हैं बीजेपी सरकार को प्रदेश के अंदर, हंसी हल्के में क्या नज़र आ रहा है और ये कैसे सुधार हो पाएगा, बदहाली की ओर जा रहा है? ये मेरा देख मानना ये है कि हंसी से जितने भी आज तक किसी भी पार्टी का कोई विधायक रहा, मैं इस बात को निसंकोच कहना चाहता हूँ कि किसी ने भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना ही विकास करते रहे। जी जी, पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या ये मंत्री जो वित्त मंत्री जी भी है वो भी हंसी से गुजरते हैं? जी जी जी, कई बार खट्टर साहब तो चलो उड़न खटोले में चले जाते हैं। जी जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी फौज है और बहुत ऊंचे ऊंचे कद के लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हंसी से टिकट हासिल करना चाहते हैं जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो क्या मुंह लेकर के इनसे लोगों से हंसी के लोगों से वोट मांगेंगे और क्या उन्होंने 4.5 साल में जब वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके कहने से कहीं कोई ईंट लगी हो, क्या कोई विकास हुआ हो या कोई गंदगी का ढेर दूर हो, कोई भी तो काम जो हंसी के अंदर एक सर्वे में बताया कि हंसी का हर चौथा आदमी बीमार है। क्या एक बीमारी जैसे बरसात आएगी उसमें गंदगी है, गंदगी में एक समय लाएगी और उसके बाद फिर जब धूप निकल जाती है उसके बाद दूसरी समय लाएगी, इससे बीमारियों का खतरा पैदा होता है। आप अस्पताल में देखो तो हर चौथा आदमी हंसी का बीमार है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वो है जो लोकसत्ता में है, लोकसत्ता में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी की कह रहा हूँ फौज जो टिकट मांग रही है हंसी के विकास के लिए तो कुछ तो करें, वो क्या कहेंगे वोट मांगने के लिए, क्या कहेंगे हंसी के लोगों? हरपाल बुरा क्या कदम उठा रहे हैं इसके? मैं ये कदम ये उठा रहा हूँ कि हंसी की जनता ने स्वयं भी कई बार कई मरतबा SDM साहब को, DC साहब को कमेटी में भी ज्ञापन दिए, धरने दिए, जुलूस भी निकाला, मौन व्रत भी रखा, बार बार गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इसको काम करने में असफल रहा। हंसी की दुर्गति और ज्यादा होती जा रही है। आपने कोई लीगल स्टेप उठाया है क्या? इसके लिए मैंने किया है एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है रतलाम बनाम सुधीकर का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत दी थी कि रतलाम कमेटी ने हाई कोर्ट के अंदर ये कह दिया कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया। हाँ जी, फिर उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में वो रतलाम के जो सुधीकर गए तो उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है, पैसे नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि भाई ये सरकार की जिम्मेवारी है और फर्स्ट प्रायमा फेसिया तो कमेटी की जिम्मेवारी उस शहर को सफाई करे। उन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दी, स्टाफ है नहीं है, पैसा आपके पास है नहीं है, ये आप अपना प्रबंध सरकार से करो या आप कैसे करो। आपने कोई जुडिशियल कंप्लेन डाली या PIR डाली? ये मैंने SDM साहब का एक CRPC धारा 133 के तहत एक कंप्लेंट डाली है। उस कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए SDM साहब ने 22 तारीख को कमेटी के EO को और सेक्रेटरी को समनिंग की है। उसमें उस टाइम मैं उनसे एक रिक्वेस्ट की है, मैंने उस दिन भी करूंगा
कि एक कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाए कि इतने पीरियड के अंदर, मैं अपना बताऊंगा कि इतने कितने पीरियड के अंदर, कन्फाइंड अप टू द पीरियड, हाँ भाई, दो दो महीने, तीन महीने, चार महीने, कुछ तो पीरियड हो, निश्चित हो। इस निश्चित पीरियड के दौरान आंसू की न्यूसेंस की एक जो एक बहुत वाइड एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। कभी जैसे कई नए अफसर उसको ये पता नहीं, न्यूसेंस न्यूसेंस में तो आवारा पशु, पिट खुले हैं, आपके कोई ढोल बजा रहा है, आपके कोई मंदिर में ज्यादा जोर से आवाज आ रही है, वॉइस पॉल्यूशन है, वॉइस पॉल्यूशन है, कोई आप को गेम से किसी को तंग कर रहे हो, कंटामिनेटेड वाटर, या जैसे पानी का है। अब सरकार की पब्लिक हेल्थ की एक जिम्मेवारी है कि वो जो शहर में जो जो गंदा पानी होता है, ये ला है, बेसिक ला, कि 24 घंटे के अंदर उस गंदे पानी को साफ करके जनता को सप्लाई किया जाए। इस ला को कंप्लायंस नहीं करेंगे तो क्या इनको धारा है, उसमें IPC धारा 188 के तहत अगर ये ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते तो कंटेम्प्ट डाली जाएगी इनके खिलाफ और उनमें 6 महीने की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। हरपाल बुरा 30 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, मेंबर ट्रिब्यूनल भी रहे टैक्स के प्रदेश में कांग्रेस सरकार, अब टिकट के कितने पर बनता होगा? दावेदारी तो मेरे 30 साल से है, मैं छाणियों में चुनाव भी लड़ चुका हूँ, कांग्रेस के मैं जनरल सेक्रेटरी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट तक सारे पदों पर मैंने काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने खूब काम किया है और हर बार जिसको टिकट दी मैंने उसकी मदद की है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। लेकिन अब हमारे 4 गांवों ने गिराए, चनत, बाटरा, कुल्लाना ने हमारे 21,000 वोट, हमने उनको चौगामा कहते हैं, उनके 4 गांवों ने मिलकर के फैसला किया कि मैंने उनको कहा भाई मेरे को टिकट कांग्रेस देती नहीं या दरकिनार करती, मुझे नहीं पता, मेरा MLA बनने को दिल करता है, आपकी क्या राय है? तो मेरे गांव ने ये कहा कि भाई टिकट भी हम दे देंगे, वोट भी तेरे को देंगे, ये तेरे टिकट की जरूरत है, टिकट कांग्रेस दे तो लड़ लेना, नहीं टिकट हमने दे दी। पालपुरा यानी कि चुनाव लड़ेंगे, टिकट 200% चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस टिकट देगी तो लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा 200%। हरपाल जी एक और लास्ट प्रश्न रह गया था, 370 धारा अभी हटी है, चंद्रयान 2 भी अभी आकाश में उड़ गया है, चंद्रमा की ओर जा रहा है, और 3 तलाक पर आप कितना सहमत है? 6 लाख फैक्ट्रियां डूब गई थी, तीन मैं देखो 370 धारा हटाई, इनकी मैं तीनों बातों की मैं इसका समर्थन करता हूँ और ये प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अच्छा काम किया। ये थे हरपाल बुरा जी, जिनका हांसी की बदहाली को लेकर दिल धड़कता है। इन्होंने कई बार गुहार लगाई, मेमोरेंडम भी दिए, लेकिन अब इन्होंने CRPC की धारा 133 के तहत कोर्ट में नोटिस भिजवाया है और जो समनिंग की है इनके मुताबिक कि अफसरों को समनिंग की जा रही है और उनको उसमें बता रहे हैं हरपाल बुरा जी कि 188 सेक्शन के तहत उनको सजा भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है, और इनका दिल धड़कता है हांसी के लिए, हांसी के MLA बनकर ये विकास कार्य करवाना चाहते हैं। हरपाल बुरा जी हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों जुड़े रहिएगा हांसी की आवाज़ चैनल से, आपने इस चैनल को बहुत मोहब्बत दी, स्नेह दिया, प्यार दिया और फीडबैक भी आप दे दिया। हम इसी तरह के राजनीतिक जो अपने सामाजिक सरोकार से सेवा करना चाहते हैं राजनीति में, हरपाल बुरा जी हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये आपका अपना चैनल है और हमें फीडबैक आप देते रहिएगा। मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई सृजनात्मक ऊर्जा के साथ।